नमस्कार दोस्तों, आज बात करना चाहूंगा बीजेपी के विधायक संगीत सोम के उस बयान को लेकर जिसमें उसने कहा है कि ताजमहल को गद्दारों ने बनाया। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, गुलामी का प्रतीक है। आखिर इस तरह की बयानबाजी से आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं, ये बात आपकी आंखों में खटकती है तो साफ साफ बता दें। ये रोज रोज के बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? और इतनी अगर आप में शर्म है तो ताजमहल ही नहीं, इस देश में बहुत सारी चीजें हैं जो मुगलों ने बनाई है। आप ऐसा करें, उनकी कमाई खाना बंद करें। ओ बेगैरत लोगों, तुम्हें इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि जिस चीज की तुम बुराई कर रहे हो कम से कम उसकी कमाई का हिस्सा तो मत खाओ। आदमी में थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना तो कम से कम ऐसा काम तो जरूर करे। और इतनी ज्यादा गुलामी का आपको है तो सिर्फ ताजमहल ही क्यों? इस मुल्क पर अंग्रेजों ने भी हुकूमत की है, तो राष्ट्रपति भवन भी वायसराय हाउस था कभी। आप ऐसा करें, उसे भी खाली करें और अपने राष्ट्रपति को कहीं और ले जाके बिठाएं, कहीं कोई झुग्गी झोंपड़ी के अंदर, क्योंकि आपका बनाया हुआ कुछ नहीं है इस देश के अंदर। पार्लियामेंट में बैठते हैं वो भी अंग्रेजों की बनाई है। ये जो लेटेंस दिल्ली है जिसके अंदर आपके प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों के, सभी एमपीओ के क्वार्टर हैं, दफ्तर हैं, इन्हें भी खाली करें। ये भी आपके बाप दादाओं ने नहीं बनाया, अंग्रेज बनाकर गया इस मुल्क में। आप ऐसा करें, रेलगाड़ियां जो चलती हैं यहां पे, अंग्रेजों ने जो पटरियां बनाई उसको भी उखाड़ के फेंकें, क्योंकि आपने कुछ नहीं बनाया है यहां पे। यहां पे बड़ी बड़ी जो चलती हैं यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कितनी सारी चीजें हैं जो इस मुल्क को बाहर से जो लोग आए वो देकर गए। आप ऐसा करें, इन सबको भी बंद करें। ओ बाबा, तुमने कुछ नहीं बनाया इस मुल्क में सिवाय लोगों के दिलों में नफरत घोलने के, तुमने एक काम नहीं किया है आज तक। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं ये लोग। और तुमने जब तुम्हें एमएलए बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, तुमने संविधान की शपथ ली थी। ओ पागलों, अपने दिमागों का इलाज कराओ तुम लोग। जब शपथ संविधान की लेते हो तो उसमें कम से कम उसकी पालना भी कर लिया करो, थोड़ी इज्जत भी कर लिया करो कि संविधान कहता क्या है। क्यों लोगों को आपस में तोड़ रहे हो? अपने ही लोगों का, अपने ही मुल्क का तुम लोग नुकसान कर रहे हो। सबसे सबसे बड़े गद्दार तो तुम्हारे जैसे लोग हैं। न जाने कैसे घटिया वो लोग होंगे जिन लोगों ने तुम्हें वोट यहां पे दिया और अपने सर पे बिठाया। हम वो जाहिल लोग हैं जो अपने कातिलों को खुद अपने कंधों पे बिठाते हैं, उसके बाद में शिकायत करते हैं कि ये हमारा खून चूस रहे हैं। ओ बाबा, ये खून ही चूसेंगे हमारा। इनके पास देने को नौकरियां नहीं है, अस्पताल में बच्चे मर रहे इनको नहीं दिखाई देते। इनको ताजमहल 400 साल हो गए, आज रोना रो रहे उसका बैठ के। और तुम में इतनी हिम्मत थी तो तुम ये बताओ ना कि ताजमहल ना देखने जाओ तो क्या देखने जाओ? और बाबा, तुमने क्या बनाया? हद हो गई है। जिसका मन करता है वो उठा के गालियां देनी शुरू कर देता है यहां पे। बाज आ जाओ, क्यों इस देश को तोड़ने पे तुम लोग आमदा हो? इस मुल्क में बनाया हुआ तुम्हारा है क्या? ज्यादातर चीजें तो अंग्रेज देकर गए हैं, उससे पहले मुगलों की है। तुम्हारे अपने राजे महाराजाए जो थे वो इस मुल्क के लोगों का खून चूसते थे। जब ऐसे दौर में कि आज राजस्थान के अंदर पानी नहीं है, ऐसे दौर में कि जरा सोच के देखो आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले क्या होता होगा। उस जमाने के अंदर ये बड़े बड़े महल जो बने हैं ना, ये बड़े बड़े किले बनाए हैं, आम लोगों का खून चूस चूस के बनाए हैं। हर किसी को दोष दो अगर दोष देना ही है तो। अंग्रेज इस मुल्क में आया, इस मुल्क को लूट के चला गया, कभी उसके ऊपर तो नहीं बोलते तुम लोग। सिर्फ ताजमहल पे और सिर्फ मुगलों पे, सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों कर रहे हो? मुगल इस देश में आए, उन्होंने इस देश को अपना बनाया, वो यहां पर रहने के लिए आए, वो लूट के यहां से भागे नहीं। उन्होंने इस देश के अंदर रहकर 400-500 साल तक इस देश का विकास भी किया, इस देश को बहुत कुछ देकर भी गए हैं। इतना जहर मत घोलो
कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वापस में लड़ कट के मर जाए। तुम जाहिलों का तो कुछ नहीं बिगड़ना, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। ऐसे ही लोग हैं बेहया बेशरम, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि आदमी क्या आ रहा है यहां पे, क्या बोल के जा रहा है, और वो बैठ के वहां पे सुनते रहते हैं ऐसे लोगों को। और शर्म आनी चाहिए यार, हद हो गई है इस मुल्क के अंदर। एक इमारत बताओ जहां पर कोई बाहर से कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट आए या किसी देश का प्रधानमंत्री आए जिसको तुम कह सको कि मैं उसको वहां लेके जाऊंगा, ये हमारी बनाई हुई है, ये हमारी देन है। तुमने दिया क्या है? तुमने दिया कुछ नहीं है। आजादी के 70 साल बाद भी तुमने कुछ नहीं दिया है। अंग्रेजों का ही दिया खा रहे हो अभी तक, उन्हीं की बनाई यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। बातें आती हैं तुम्हें, वो जितनी मर्जी करा लो। मैं अमूमन गुस्सा नहीं करता हूं ऐसे, पर हद होती है कोई चीज की। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। 30,000 नौजवान हर रोज बाजार में निकलते हैं नौकरी की तलाश में, कभी इनके बारे में बात करो। यहां पे ऐसी आबादियां बैठी हैं, 300 मिलियन के यहां पे आबादी है जिसके पास बिजली नहीं है। 30 करोड़ ऐसे लोग बैठे हैं। दुनिया की 33% गरीबों की आबादी हिंदुस्तान में भी रहती है, दुनिया की 33%। कभी उस पर तो नहीं बोले तुम लोग आज तक, हद हो गई है। पूरे अफ्रीकी देश ना, सब सहारन कॉन्टिनेंट के अंदर 26 ममालिक आते हैं, उन 26 देशों में इतने गरीब लोग नहीं रहते जितने हिंदुस्तान में रहते हैं, बताते हुए भी शर्म आएगी तुम्हें। लेकिन नहीं, तुम्हें वोट कैसे मिलेंगे? तुम्हें वोट मिलेंगे जब तुम लोगों के मनों के अंदर जहर घोलोगे। हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा ये मुल्क तुम लोगों का ये रवैया। अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस देश के नौजवानों को आगे आके तुम्हें लात मार के यहां से बाहर फेंकना पड़े। इस देश के अंदर आज भी भगत सिंह के चाहने वाले बहुत बैठे हैं। हम कौमी एकता की बात ही नहीं करते हैं, अगर अपने पे आ गए तो कौमी एकता के लिए तुम्हारे जैसे लोगों को लात भी मार देंगे। इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लो। और मोदी साहब, आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें, अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप और आपकी हुकूमत इन लोगों को शह देती है।